वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए परिषद की राह आसान नहीं है। क्या है मंडला के विचिया नगर परिषद का गणित, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश के बचे हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 27 सितंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 30 सितंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे में मंडला जिले के भुआ बिछिया में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी है, क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और मतदान को लेकर एक्साइटमेंट भी। मैं जब से देख रही हूँ 8 से 10 साल से, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी वादे पूरे किए गए हैं। मैं अपने घर के सामने की रोड देखती हूँ तो वो कब से नहीं बनी है, पता नहीं। नाली देखो तो वहाँ पानी नहीं बह रहा है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा कुछ भी नहीं है। आम जनता को सिर्फ विकास से मतलब है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा और दलगत राजनीति से हटके यदि चुनाव हो तो ज्यादा अच्छी बात है। विकास हो गाँव का, नगर परिषद का, ना कि पार्षद का या उपाध्यक्ष का या अध्यक्ष का। मंडला के भुआ बिछिया नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी ने ही बाजी मारी है। बात करें बिछिया नगर परिषद के गठन की, तो 2009 में हुआ था भुआ बिछिया परिषद का गठन। बिछिया नगर परिषद में 15 वार्ड हैं। बिछिया में 8,282 मतदाता वोट डालेंगे। बिछिया नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा है। वादों को यदि अपन देखें तो मेरे हिसाब से जितने वादे किए हुए हैं उनमें से तो कोई भी पूरा होते हुए नहीं दिखा। हमारे बिछिया में खेल मैदान नहीं है। आज तालाब के लिए बहुत सारा फंड आया था, मगर वो फंड कहाँ गया? तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, ना एलिकट का सौंदर्यीकरण हुआ, ना सड़कें बनी। सड़क यदि बनी भी 9 नंबर वार्ड में तो एक बार इसमें पूरी बह गई, लाखों का खेल हो गया उसमें खराब। मेरे मोहल्ले में ना ही लाइट है, ना ही पानी की सुविधा है और ना ही रोड बना हुआ है। हम लोग जैसी परिस्थिति, जैसे बरसात होती है तो उस परिस्थिति में हम लोग पानी लाने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं तो उस रोड के दौरान जब हम लोग गुजरते हैं तो वहां से चलने की सुविधा अच्छा से ना हो पाता। विकास को लेकर जहां सत्ता पक्ष तमाम दावे करता है और क्षेत्र में सुधार की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। परिषद की आमदनी और खर्चे की बात करें तो परिषद को 2018-19 में 19,68,00,000 की आमदनी हुई, 19,30,00,000 रुपए अनेक मदों में खर्च हुए। 2019-20 में 21,86,00,000 की आमदनी हुई, इसी साल 21,45,00,000 रुपए खर्च किए गए। 2020-21 में 24,29,00,000 रुपए का राजस्व आया, जिसमें से 23,83,00,000 रुपए खर्च किए गए। 2021-22 में 26,72,00,000 रुपए का राजस्व आया, जिसमें से 26,21,00,000 रुपए खर्च किए गए। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी क्षेत्र में बुनियादी समस्याओं का अंबार है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का बिछिया में कुशासन, उनके खोखले वादे और उनकी परिषदों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, उनके पार्षदों के द्वारा मौन धारण करके क्षेत्र की जनता, अपने वार्ड की जनता का जो शोषण किया गया, उनकी अनदेखी की गई। वार्ड की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए सफाई, पानी, बिजली, पानी के टैंकर, स्वच्छता, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, इन में जो पैसे ले लेकर काम हुए, मुंह देखा काम हुआ, किसी वार्ड में सफाई नहीं हुई। वहीं वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष विजेंद्र सिंह कुकड़िया कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। कुकड़िया ने काम न करने के लिए कोरोना का हवाला दिया और क्षेत्र की जनता से माफी भी मांगी। हमारे मध्य प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत काम दिया है, परंतु समय अभाव के कारण से, ठेकेदारों के लापरवाही के कारण से हमने वो काम को सही रूप से अमली जामा नहीं पहना पाए। मैं इसलिए उसके लिए मैं नगर परिषद की तरफ से, मैं नगर के जनता से, लोगों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता संभालिए दीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगली जो बॉडी बैठेगी वो शेष अधूरे काम को पूर्ण करेगी। क्षेत्र की समस्या क्या है ये सबको पता है, जनता किस आधार पर अपने मत का प्रयोग करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मंडला से प्रफुल्ल तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।